देखिए, ज्योतिष को मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहमों में पड़ना बेवकूफ़ों वाली बात है। कर्मों पर बिलीव करिए। मेरे पास लोग आकर कहेंगे, राखी जी मेरा लकी नंबर बता दीजिए, राखी जी मेरा लकी कलर बता दीजिए। लोग पूछते हैं, हम बता भी देते हैं, लेकिन क्या उस लकी डेट पर आपके घर में कभी कोई अप्रिय घटना नहीं होती है क्या? क्या उस लकी कलर को पहनकर कभी आपको नुकसान नहीं होता है क्या? क्या कृष्ण भगवान ने अर्जुन से ये कहा था, ओह आज हमें युद्ध करना है, आज हम युद्ध में इस कलर के कपड़े पहनकर जाएंगे और इतने बजे हम युद्ध करना शुरू करेंगे, तो तुम देखना जीत तुम्हारी ही होगी। ज़िंदगी में आज आपको बस इतना समझाने की कोशिश करी हूँ। बी प्रैक्टिकल, बी बिलीव इन कर्मा, कर्म अच्छे करिए। आपने रंग कोई भी पहना हुआ हो, आप मेहनत 100% कर रहे हो, आप ईमानदार हो, आप दूसरे का हक नहीं खाना चाहते हो, आप अपना 100% देते हो, तो ज़िंदगी में कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। और अगर रुक रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपका कार्मिक कर्मा अटका हुआ है। अच्छे कर्म करके उस कार्मिक कर्मा को भी ठीक किया जा सकता है। घर में ना बड़े बनने की कोशिश मत कीजिए। भले ही आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आप में अहम हो ना, मैं कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं ना हो तो इस घर में दीपक जलाने वाला ना हो, मैं छोटे बनकर रहिए। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने पूरा महाभारत का युद्ध पीछे रहकर जीता, पांडवों को आगे किया, खुद के अंदर उन्होंने कभी मैं नहीं दिखाई कि मैं भगवान हूँ और मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। जिस दिन ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, उस दिन ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे आप। पोटली की पेमेंट करिए जल्दी जल्दी, क्योंकि आज रवि पुष्य नक्षत्र है। आज की गई पोटली की पेमेंट आपकी पोटली को और भी ताकतवर बना देगी, पॉजिटिव बना देगी। कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए। भगवान आपके साथ हमेशा है। संडे वाले दिन आलस बिल्कुल नहीं करते, अमावस वाले दिन पितरों के नाम का दान ज़रूर करते हैं, उनकी तस्वीर पर खड़े, अपने पितरों की तस्वीर के सामने खड़े होकर उनसे माफ़ी मांगते हैं। उनसे ये कहते हैं कि अगर आपके होते हुए कभी मैंने कोई गलती की हो तो मुझे क्षमा करना। पिताजी, माताजी, भाई, पति, कोई भी आपका पितर हो सकता है जो इस दुनिया में ना रहा हो, वो आज धरती पर हैं। अगर आप उनसे हृदय से माफ़ी मांगेंगे तो आपके किए गए गलतियों के लिए वो आपको माफ़ करेंगे और 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कर्म करिए, बहुत अच्छे कर्म कीजिए, लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, लोगों की तारीफ़ें कीजिए, अपनी तारीफ़ कीजिए और भगवान पे हर कदम विश्वास रखिए। जय माता।